मैं प्रोफेसर भरतराज सिंह, महानिदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लखनऊ से बोल रहा हूँ। और ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस 2008 में यहाँ एस्टेब्लिश हुआ है। इसमें विशेष दो केंद्र बने हुए हैं, एक वैदिक विज्ञान केंद्र जो 2015 में 15 अप्रैल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 3-4 महीने पहले से हम लोगों का योजना थी, जबकि यहाँ हमें पता भी नहीं था। और एक सीवी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन जो विश्व स्तर का हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, वो 2011 में स्थापित हुआ था और कृपा शंकर जी हमारे उस समय कुलपति थे, उनके द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता यह है, ये जो हम लोगों ने दो ऐसे केंद्र खोले हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सब तरीके की उनको डेवलपमेंट चाहिए, तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो सब चीजें चलती। और ये हमारी संस्कृति, पुरानी संस्कृति रही है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहना, उसके बाद ही सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने दो चीजें स्टार्ट की। पहले तो हमने इस वैदिक विज्ञान केंद्र के द्वारा बच्चों में सुबह की प्रार्थना 10 मिनट अपने टाइम टेबल में जोड़ दिया, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि 3 साल बाद आकर हमने धीरे धीरे निकाले तो 20% उनके रिजल्ट में बढ़ोतरी हो गई। और जिसका रिकॉर्ड हमारे नैक की टीम जब आई थी और हम लोगों को B++ नैक फर्स्ट राउंड में मिला हुआ साई हुआ, तो उसमें इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यहाँ बच्चों में एक उत्साह है और बच्चों के पठन पाठन में एकाग्रता भी बढ़ रही है, इनके नए विचार आ रहे हैं, इनकी याददाश्त भी अच्छी है और शरीर से भी स्वस्थ दिखते हैं, चेयरफुल लगते हैं। तो इसके लिए फिर दूसरा हम लोगों ने यह आयोजन किया कि योग, पहले हम लोग सुबह की चूंकि प्रेयर होती थी तो इसको हम लोग शनिवार को ना मुख्यतः हम लोगों का कोई टाइम टेबल में शिक्षण का व्यवस्था नहीं रहती, उनको हम अगर एक्टिविटी में लगाते हैं तो उनको योग हम लोगों ने हर सैटरडे शुरू किया और हर क्लास में कोई कोई सेक्शन आता रहता था। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।